बोनजोर, सलाम, नमस्ते। आज मैं आपके लिए Q&A सेशन लेके आई हूँ। मुझसे कुछ सवाल पूछे गए थे, तो आज मैं उनके मतलब बताऊंगी, उन वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी। और मैं श्योर हूँ कि आज की वीडियो देख के काफी लोगों के एक दो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जिनमें उनको डाउट है, और जिन लोगों को फ्रेंच आती है उनको नए वोकेबलरी के वर्ड्स आज सीखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुझसे एक व्यूअर ने पूछा है कि नम पख्तू का क्या क्या मतलब है। ना पख्तू क्वा, जैसे कि अगर आप तो आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में बोलते हैं। अगर कोई काम सही तरीके से खराब हो जाता है या नहीं हो पाता सही तरीके से, तो आप बोलते हैं ओ नो। जैसे कि आप बोल सकते हैं ओ शिट, ये सब इंग्लिश में बोला जाता है। तो अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो नम पख्तू क्वा बनता है, जो काम आप करने जा रहे हैं और जो सही तरीके से नहीं हो रहा, तो आप बोल सकते हैं नम पख्तू क्वा। या अगर कोई आपसे कोई बात कर रहा है, आप उसके साथ जरा भी डेकोर नहीं हो, मतलब वो बकवास कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं चू हा कोंट नम पख्तू क्वा। क्या बकवास कर रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या नॉनसेंस बता रहे हो। नम पख्तू क्वा मतलब जिस बात का कोई तुक ही नहीं बनता, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, उसको बोलते हैं नम पख्तू क्वा। आई होप नम पख्तू क्वा आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत लोग यूज करते हैं और ये रेगुलर एवरीडे लाइफ में यूज होता है। तो अगर आपने अभी तक ये वर्ड यूज करना नहीं शुरू किया तो इसको ट्राई करें, आपकी फ्रेंच में और इम्प्रूवमेंट होगी। एक नया वर्ड आ जाएगा, कुछ नया ऐड होगा आपके फ्रेंच के बोलने के तरीके में। नाम पोखते क्वा मतलब कोई मतलब नहीं है, बकवास है इसका, बुलशिट, कुछ भी नहीं है ये। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, आप किस जगह पे पहुंच गए हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं, आपको किसी ने रेंडेवू दिया 8 बजे की, और आप उसको 8 बजे फोन करके पूछते तुम कहाँ पे हो, वो कहते मैं तो अभी अपने घर से निकला हूँ। तो ये जो सिचुएशन है ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब हो गई, तो आप बोल सकते हैं नम पख्तू क्वा, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम अभी घर से भी नहीं निकले। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा जिन्होंने इस वर्ड का मतलब पूछा है। एक और वर्ड मुझसे पूछा गया है इफेक्टिवमेंट। अगर इसका सिनोनिम फ्रेंच में बताएं तो वैमो भी चलता है। इफेक्टिवमेंट को हम वैमो भी कह सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हम बोले इफेक्टिवमेंट चुआ रेजों, अगर कोई बंदा आपको बता रहा है कि मेरे हिसाब से ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, और आप अगर उसकी बात से सहमत हो, उसके साथ देखा हो, आप बोल सकते हो इफेक्टिवमेंट, बात तुम्हारी सही है, इफेक्टिवमेंट ये ठीक है। इफेक्टिवमेंट ऐसे पॉजिटिव होता है, आप किसी को की बात में हामी भर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं इफेक्टिवमेंट। तो आपसे अगर कोई कुछ कह रहा है तो बोल सकते हैं इफेक्टिवमेंट सेव है, से कम सा सेव है, चू आर रेजों। तो इफेक्टिवमेंट मतलब किसी को हाँ बोलना। कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ नहीं यूज करते, तो अगर आपको लगता है ट्राई करके देखें। लेकिन नम पख्तू क्वा वर्ड है जो आप हमेशा यूज कर सकते हैं। इफेक्टिवमेंट मैं कम खुद यूज करती हूँ, कम ही करती हूँ ये वर्ड। इफेक्टिवमेंट से वगैरह बोलती हूँ मैं ज्यादातर, तुतफे बोलती हूँ। तो अगर आप इफेक्टिवमेंट ऐड करना चाहते हैं तो कभी कभी चलेगा, तो ट्राई कीजिए। उसके बाद एक और व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि ईग्रेक और ओ में क्या फर्क है। तो ये फ्रेंच अल्फाबेट में है ईग्रेक, जिसको इंग्लिश में हम वाई बोलते हैं। तो मैं आपको अभी सिर्फ ये समझा रही हूँ कि कहाँ पे लगता है ईग्रेक। किसी जगह की जगह पे इस्तेमाल होता है, अगर किसी कोई प्लेस है उसको रिप्लेस करता है, या किसी चीज के बारे में अगर हम बात करें तो। और जहां जहां पे हमारे किसी जगह के बारे में, किसी चीज के बारे में आ लगे, श्योर लगे, शे लगे, या दुदों लगे, या और भी ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें पता चले कि श्योर किसी चीज के ऊपर, शे किसी घर पे, दुदों किसी चीज के अंदर, सू किसी चीज के नीचे, तो ये जो कॉम्प्लेमेंट दो लियो होते हैं जो बताते हैं कि चीज कहाँ पे पड़ी है या किस जगह पे है, तो इन सब को कॉम्प्ला से किया जा सकता है ईग्रेक में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं आपको आसान तरीके से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं tu as déjà été à Londres, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ क्या तुम कभी लंदन गए हो, tu as déjà été à Londres, आप मुझे जवाब देंगे oui je suis déjà allé à Londres, हाँ मैं लंदन जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ। अगर आपने लोंग दोबारा से रिपीट नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बोला है जहाँ पे जगह की बात होती है और जिस जगह के आगे आ लगता है उसको हम एक हाइक से ऑम्पला से कर सकते हैं, तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि वी जी स्वी देजा आले, मैंने ए ओ इसलिए लिखा है क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ। अगर कोई लड़का होगा तो वो ए हटा दे, ओ हटा देगा, आले ए तक लिखेगा, तो वी
अगर आप बोले नॉर्मल होगा je suis déjà allé, मैं जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ, क्योंकि अगर à Londres को हम remplace कर रहे हैं y से तो हम बोलेंगे oui, j'y suis déjà allé. तो यहाँ पे यूज होता है, काफी लोग यूज करते हैं, मैं एवरीडे लाइफ में y काफी यूज करती हूँ. तो कोशिश करके इसको सुने आसपास, जब आपके आसपास कोई बोलता है तो इसको यूज करने की आदत डालें, ये अच्छी फ्रेंच है. दूसरा एग्जांपल, अगर मैं आप किसी से बोले अपने दोस्त से as-tu rangé, क्या तुमने रंगे किया, रंगे करना मतलब संभाल के रखना, mes habits, मेरे कपड़े, dans l'armoire, क्या तुमने मेरे कपड़े अलमारी में रंगे करके रखे. अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे लियो, कॉम्प्लीमेंट दे लियो मतलब वो चीजें, वो कॉम्प्लीमेंट, वो वाले वर्ड्स जो बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे है. आ, sur, chez, dedans, dedans हो या dans हो, दोनों का मतलब एक ही है, किसी चीज के अंदर. As-tu rangé, क्या तुमने अरेंज किए, mes habits dans l'armoire, as-tu rangé mes habits dans l'armoire, तो बात हो रही है कपड़ों की, dans l'armoire, अलमारी में. तो इसको dans l'armoire को हम y से remplacer कर सकते हैं. तो जवाब क्या होगा, oui, मैंने रंगे किए हैं, oui, il, बात हो रही है कपड़ों की, ils y sont, वो वहां पे हैं, वो वहां पे हैं. तो y को अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो हम वो की तरह यूज कर सकते हैं, वी je suis déjà allé, मैं वहां पे जा चुका हूँ, वो या वहां पे. कपड़ों की बात हो रही है, वी ils y sont, ils y sont. ये हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगे, ils y sont नहीं है, तो ils sont déjà là-bas आप बोल सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि तुमने ये चीज रंगे करके रखी है या नहीं. लेकिन अगर आपको फ्रेंच इतने लेवल की आती है और ऊपर वाले लेवल की और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कोशिश करें y को यूज करने की लगातार, वी ils y sont. एक और एग्जांपल लेते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, वेंडरोजी सोआर है, वीकेंड है, ट्रैंक्विल, थोड़ा एंजॉय करना है, तो अपने दोस्तों को बोलते हैं allons au cinéma ce soir, सिनेमा चलते हैं आज रात. allons, nous allons, हम चलते हैं, तो allons, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं. au cinéma, मैंने आपको बताया था à, sur, chez, dedans, ये छोटे से एग्जाम्पल है, और भी हो सकते हैं, सू, ओ भी हो सकता है, क्योंकि आ लगता है जब आ ला होता है, लेकिन जब आ ले होता है तो आ ले नहीं लगता, उसकी जगह पे ओ आ जाता है. तो अगर आपको कोई बोले आलो ओ सिनेमा सुसवा, आप बोलेंगे वी जाना चाह रहे हैं, कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, ओ सिनेमा, तो ओ सिनेमा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोलेंगे वी अलोसी, हाँ वहां चलते हैं, वी अलोसी. आई होप y का क्लियर हो गया होगा उन्होंने, उनके लिए जिन्होंने मुझसे पूछा है, और उनके लिए भी जिन्होंने नहीं पूछा लेकिन जो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में y यूज करना चाहते हैं. एक और एग्जांपल on का, on कहाँ पे यूज होता है, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, जो मैंने पिछली स्लाइड में जो मैंने वो दो सेंटेंसेस लिखे थे, यहाँ पे मैं आपको ये सेंटेंसेस पहले पढ़ के सुनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए. पिछले एग्जाम्पल में y में वो जगह जहाँ पे आ लगता है वहां पे हम y से remplacer कर सकते हैं आ और उसके साथ वाली जो चीज है, जिस जगह की बात हो रही है, जिस चीज की बात हो रही है. और में जहां जहां पे जिस नो के आगे दे लगता है उस दे को प्लस चीज को और से हम remplacer कर सकते हैं, या जहां जहां पे आ लगता है, ऊ लगता है, दे लगता है, वहां पे हम और से remplacer कर सकते हैं. तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं. अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, या आप किसी से पूछ रहे हो, पेन मांग रहे हो, ता स्टीलो, चुआ अं स्टीलो, यहाँ पे मैंने ता अं स्टीलो लिखा है, मैं सलाम एम शोज, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने आपको बताया था जहां पे नो आता है, आ उन दे प्लस किसी चीज की बात हो रही होती है उसको हम ऑ से ऑ प्लस से कर सकते हैं. तो नॉर्मली आप बोलेंगे वी जे अं स्टीलो, लेकिन मैंने अं स्टीलो दोबारा से रिपीट नहीं करना, तो मैं बोल सकती हूँ वी J'en ai. Oui, j'ai un stylo. मेरे पास स्टीलो है, लेकिन मैं स्टीलो दोबारा से रिपीट नहीं करना चाह रही क्योंकि मैं और अच्छी फ्रेंच बोलना चाहती हूँ. तो मैं बोल सकती हूँ Oui, j'en ai. En का मतलब है un stylo. एक और एग्जांपल देखते हैं. आइए, आप किसी को पूछ रहे हैं तुमने चाय पीनी है या चीजान पीनी है या कावा पीना है, जैसे भी आप उसको बोलते हैं, veux-tu या tu veux, दोनों सही है. Tu veux du thé, क्या तुम्हें चाय चाहिए.
अब मैंने यहाँ पे une दे लिखा है, du भी उस कैटेगरी में आता है क्योंकि de la चलता है, जहाँ पे de le ते आ जाएगा तो de le फ्रेंच में बुरा नहीं जाता, बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, तो उसको हम du बना देते हैं. veux-tu du thé, क्या तुम्हें चाय चाहिए, या अगर आप चाय नहीं पूछ रहे, कोई भी चीज पूछ रहे हैं किसी से, tu veux des pâtes, क्या तुम्हें पास्ता चाहिए खाने के लिए, tu veux des pâtes, जवाब आपका क्या होगा, oui je veux du thé या oui je veux des pâtes. मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता du thé या des pâtes, तो मैं कैसे बोलूंगा, oui j'en veux, हाँ मुझे चाहिए, oui j'en veux. तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ. आई होप कि ये पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो गए होंगे. जरूर कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा. अगर आपने कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे फेसबुक आईडी भी आपके सामने लिखी हुई है, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं. मैक्सी बुक को